बात घाटी की, घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत की है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से अगवा 4 में से 3 पुलिसकर्मियों की आतंकियों ने हत्या कर दी है। शोपिया में 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी है आतंकियों ने। पहले इन 3 पुलिस वालों को अगवा किया और अब उनकी हत्या कर दी गई। ये 4 पुलिस वालों को अगवा किया गया था, जिनमें से 3 पुलिस वालों की हत्या आतंकियों ने कर दी है। 4 पुलिस वालों को अगवा किया था आतंकियों ने, जिनमें से 3 की हत्या कर दी है। फिरदौस, निसार और कुलदीप के शव मिले हैं। अगवा फयाज अहमद का अभी तक पता नहीं है। 4 पुलिस वालों को अगवा किया गया था, जिसमें से 3 की हत्या कर दी गई है। उनके शव बरामद हुए हैं। शोपिया से 3 पुलिस वालों के शव मिले हैं। 4 पुलिस वालों को अगवा किया था आतंकियों ने और अब उसमें से 3 पुलिस वालों के शव मिले हैं। फिरदौस, निसार और कुलदीप के शव बरामद हुए। इससे पहले आतंकियों ने पुलिस वालों को नौकरी छोड़ने की धमकी दी थी और नौकरी न छोड़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी, जिसके बाद इन पुलिस वालों का अपहरण किया गया और 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई है। फयाज अहमद, जो इन्हीं के साथ अगवा किया गया था, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। हिजबुल ने पुलिस वालों को नौकरी छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद इन 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। कुल 4 पुलिस वालों को आतंकियों ने अगवा किया था, जिसमें से 3 पुलिस वालों के शव फिरदौस, कुलदीप और निसार के शव बरामद हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस जो उनके डेड बॉडी मिली है वो उसके बाद बरामद हुई है। वो डेड बॉडी ले जाते हुए वहीं जवान के साथ बर्बरता किस तरह से की गई है, वो विरोध प्रदर्शन भी आप देख सकते हैं। उनके शव ले जाते हुए और जो सर्च ऑपरेशन, जो सुरक्षा बल इसके बाद तलाशी लेते हुए, क्योंकि अभी तक 4थे पुलिस वाले के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी समय उजला, एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।